टाइगर जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं है और यह आवाज़ जगन्नाथ महतो का यहाँ दिन भर लोग पहुँचते थे और अपनी फरियाद लेकर शिक्षा मंत्री के पास आते थे कि उनकी जो समस्या है उसका निदान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे, लेकिन आज वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं और उनके जैसे ही निधन की खबर आई पूरे राज्य में शोक की लहर है। क्या आम और खास सभी लोग बस यही कह रहे हैं कि जगन्नाथ दा आप क्यों चले गए। यह जो सामने आप चेयर देख रहे हैं यही जगन्नाथ महतो बैठकर लोगों की समस्या को सुना करते थे और जो भी क्षेत्र से या कहीं से भी लोग पहुंचते थे यहीं पर उनसे बात करते थे और इस ओर दिखाए तो उनका कार्यालय है और जिस तरह से राज्य के तमाम लोग उन्हें याद कर आँख उनकी नम हो जा रही है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अब कि जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर रांची आए और उनका अंतिम दर्शन का। हम कुछ यहाँ भी बात करते हैं जो उनके कार्यालय में लोग काम करते थे, आज आपको जानकारी मिली जी यहीं काम करते थे? अब मन वहाँ करते थे, ऑफिस में काम करते थे। उनके बारे में सुने तो हमें बहुत दुखित लगा, बहुत अच्छे थे। और बोल आज तक ऐसे इंसान हम लोग नहीं देखे थे इतने उम्र में। छोटे का कर्मचारी का तो और देखते थे छोटे लोग। कभी ऐसा महसूस नहीं था कि आप जो एक छोटी कर्मचारी हो वो एक मंत्री है? नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं, फीलिंग उसमें नहीं था। उस शहर में कभी फीलिंग ऐसा गंदा नहीं, हम लोग के प्रति बहुत अच्छे थे। इससे पहले भी जो प्रॉब्लम है वो गए थे चिन्हे वहाँ, तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनकी आंखें नम है और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर जो गुलजार रहता था शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वो अब नहीं रहे हैं दुनिया में और लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। जब भी कभी आदिवासी मूलवासी लोगों के अधिकार की बात आती थी तो जगन्नाथ महतो सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते थे और खुद की भी सरकार पर वह खुलकर देते थे। जब 1932 की बात आई तो सबसे पहले मुखर होकर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला था तो टाइगर जगन्नाथ महतो थे। टाइगर जगन्नाथ महतो कोरोना काल में जब क्षेत्र लगातार भ्रमण कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी, कोरोना संक्रमण फेफड़े में हुआ था और उसके बाद उन्हें झारखंड से इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ से वह कोरोना से जंग जीतकर वापस आए तो फिर एक बार जैसे कि वह पूरी तरह से फिट है और क्षेत्र में नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी हाल की बात करें तो जैसे ही बजट सत्र चल रहा था 14 मार्च का वो आखिरी दिन था जब जगन्नाथ महतो बजट सत्र के दौरान विधानसभा पहुँचे थे और उसी दौरान जैसे ही सेकेंड टाइम 2 बजा था उनकी तबीयत खराब हुई और आनन फानन में उन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वहाँ पर भी उनसे मिलने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के अलावा तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष सब के दल के नेता हैं वह पहुँचे थे और उसके बाद फिर देर शाम उन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आखिरकार आज जगन्नाथ महतो जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन टाइगर कभी मरते नहीं, वह हम सभी के दिल में जिंदा रहेंगे। टाइगर जगन्नाथ महतो को लेकर आज पूरा राज रो रहा है, सिर्फ यह घर सुना नहीं हुआ है, आज राज्य का कई गरीब दलित और आदिवासियों का घर सुना हुआ है और सभी लोगों के घरों में मातम जैसा माहौल है। बता दें कि राज्य में 2 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है, तो सभी कार्यालय हो या आम और खास लोग टाइगर जगन्नाथ महतो को मिस कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि टाइगर जगन्नाथ महतो एक जिंदा दिल इंसान थे, कभी भी उन्होंने किसी को कड़े शब्दों में जवाब नहीं दिया। जब भी कोई सवाल पूछिए उन्हें अच्छा लगे या नहीं वह मुस्कुरा कर ही उसका जवाब देते थे। लेकिन अब हम सबके बीच टाइगर जगन्नाथ महतो नहीं है। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से भी टाइगर जगन्नाथ महतो को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।